अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। सो आज का जो व्लॉग है वो है, आप लोग तो वैसे दिख रहा होगा कि क्या वीडियो बन रही है। तो हम ग्रॉसरी करने गए थे, मुझे ग्रॉसरी करने में बड़ा मज़ा आता है और मेहरान मुझे अपने साथ ही लेके जाते हैं हमेशा। सो यहाँ पर हम इधर को फर्स्ट टाइम लेके आए थे और ये खूब इंजॉय कर रही थी, खूब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से इंजॉय करना, इस चीज़ को भी हाथ लगाना है, उस चीज़ को भी हाथ लगाना है, ये भी गिराना है, वो भी गिराना है, यहाँ पे सब कुछ इनका ये चल रहा था। अभी स्टार्टिंग पॉइंट था इनका, अभी आप लोग आगे आगे देखेंगे कि ये तो गला ख़राब, पता नहीं जब भी बॉल से बॉल करो गला लाजमी ख़राब हुआ हुआ होता है। खैर, तो अभी आप लोग आगे देखेंगे वीडियो में कि इन्होंने कितना ज़्यादा इरिटेट किया है, हर चीज़ इस शेल्फ में से ही उठाने, उस शेल्फ में से ही उठाने, तो यही सब कुछ इनका चल रहा था। यहाँ पे मेहरान ऑयल ढूंढ रहे थे और चीज़ें आगे पीछे हो गई थी, मतलब सेटिंग इन लोगों ने चेंज कर दी थी, ये वाला ऑयल कहीं रख दिया था, वो वाला ऑयल कहीं रख दिया था, तो ये चीज़ वही ढूंढ रहे थे। और इन्होंने ये मेहरान मेरी वीडियो बना रहे थे, तो इन्होंने थोड़ा सा रोटेट करके बनाई वीडियो, तो जब भी आप लोगों को छोटी शो हो रही होगी। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी ज़ीरा, जो कि मुझे ज़ीरा मिल नहीं रहा था, मुझे सौंफ दिखी जा रही थी। अच्छा, एक और मेरे साथ कोई थी, वो भी ज़ीरा ढूंढ रही थी, ज़ीरा थोड़ा आगे को होके रखा हुआ था तो वो नहीं दिख रहा था। तो खैर, उसके बाद मैंने ज़ीरा ले लिया। अच्छा, मैं देख के लेती हूँ कोई कचरा वगैरह ना हो, कोई कुछ चीज़ ना हो, क्योंकि फिर बीनना पड़ता है, ख़राब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ली थी ज़ीरा वगैरह, उसके बाद फिर हमें बहुत सी चीज़ें लेनी थी। अच्छा, इस दफ़ा ना वैसे तो हम ये करते हैं, एक पेपर पे लिख लेते हैं तो आसानी होती है। इस दफ़ा पेपर पे नहीं लिखा गया था तो बहुत सी चीज़ें रह भी गई थी। और उसके बाद फिर हम देख रहे थे चावल। अच्छा, लास्ट टाइम जो थे वो चावल अच्छे नहीं आए थे, बहुत छोटे छोटे थे, बहुत थोड़े चेंज तो वापस भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि सारे ही पैक खोल के हमने बाल्टी में डाल लिया था। यहाँ पे आप इरा को देख रहे होंगे किस तरीके से इस शेल्फ में सारी चीज़ें गिरा रही थी, ये चने के पैकेट ले रही हैं, ये चावल के पैकेट उठा उठा के गिरा रही हैं, इनका यही सब कुछ चल रहा था, बचा बचा के हम इनको दूर दूर करके चल रहे थे। आप देख सकते हैं, ये देखें ये किस तरीके की हरकतें कर रही थी। अच्छा, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा इनकी एंजॉयमेंट को। ये वाले चावल से लास्ट टाइम, हम हमेशा यही वाले लेते हैं और दूसरे वाले भी जो सेला चावल होते हैं और पुलाव के चावल अलग होते हैं, लेकिन ये वाले चावल हमने लास्ट टाइम लिए थे, ये ख़राब आ गए थे, जो कि बहुत मुश्किल से पके, जो कि बहुत मुश्किल से खाए गए, क्योंकि सारे पैकेट हमने खोल लिए थे। हाँ, अगर हम पैकेट ना खोलते तो शायद रिटर्न हो जाते, हाँ एक्सचेंज हो जाते। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि ये वाले चावल जो हैं वो यही वाला पैकेट था, बट अंदर कभी कुछ कुछ भरा हुआ था, कभी कुछ भरा हुआ था, हमेशा अच्छे आते हैं, लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अच्छा मैं वेट कर रही थी शायद यहाँ का। अच्छा, चावल जो होते हैं, चावल अगर अच्छे ना आए तो ऐसा लगता है खाने बनाने का दिल ही नहीं चाहता। जब तक चावल का टेस्ट अच्छा ना हो, जब तक चावल लंबा लंबा और पतला पतला ना हो, तो ऐसा लगता है खाना बनाने में वाले को भी मज़ा नहीं आता, और खाना खाने में तो ऑब्वियसली बात है वो आता ही नहीं है टेस्ट, क्योंकि एक चावल का अपना ही जायका अलग होता है, उसको हम अलग से जब बॉईल करते हैं तो फिर सादे चावल भी हम बॉईल करके खाते हैं तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट कुछ चावल होते हैं जिनका टेस्ट अच्छा लगता ही नहीं है। इनकी सुन लें, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ बोलो। यहाँ मुझे भी बहुत नज़ला हो रहा था, इरहा को भी बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा था, इनकी तो नोज़ भी बह रही थी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे वोमिट भी कर दी थी, मैं इनको बिस्किट खिलाई थी, शायद इनका दिल नहीं हो रहा था या क्या, नज़ले की वजह से इनका सीना भी बंद था, तो इन्होंने यहाँ पे वोमिट भी कर दी थी। आप लोग देख रहे होंगे मुझे भी नज़ला हो रहा है, मैं नोज़ साफ़ कर रही हूँ। सारे बच्चों को देख के चिक चिक से बोल रही है, तो पता नहीं था बच्चे के दोस्त हैं।
यार मैं तो हाथ बात ना आते ये वाले ले लेते ना ये ऐसा करो दोनों ब्राइट ही ले लो दोनों ब्राइट ले लो मेरे को ब्राइट ही अच्छा लगता है ना आपको दे दूं पूरी या एक एरियल ले लो चलो एक एरियल ही ले लो दोनों ही चलो चलो आगे चलो मैंगो है गोल्डन एप्पल ये दोनों ले लो ये कश्मीरी चाय आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत टेस्टी मज़ेदार होती है हमने पैक लिए हुए थे बट अब तक हमने बनाई नहीं है क्योंकि ज़्यादातर सर्दियों में चाय इस तरह की चाय रात में पीने में मज़ा आता है और रात में गैस नहीं होती तो इसलिए बना नहीं पाए हम क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता आजकल सबकी तबीयतें भी काफ़ी ख़राब चल रही हैं तो हम ये बनाएंगे आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और एवरी जो है हमारे जो पापा हैं मींस के मेरे फादर इन लॉ उनको शुगर है और उनको डायलिसिस भी होता है तो हम उनको एवरीडे की चाय देते हैं क्योंकि उनको बहुत पानी की जो मिकदार है जो लिक्विड चीज़ें हैं बहुत लिमिटेड है उसमें सालन भी ऐड होता है उसमें वाटर भी ऐड होता है उसमें मिल्क भी ऐड होता है हर चीज़ तो हम उनको एवरीडे की चाय देते हैं अच्छा यहाँ पे मैंने ये मैगी देखी मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ फिर मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किन्नौर के अलावा कोई से भी हम नूडल्स ट्राई करते हैं मतलब कोई पसंद ही नहीं आते बहुत ही बेकार सा टेस्ट होता है तो मैंने रख दिया उसके बाद फिर मैंने दूसरी देखी मैंने कहा चलो दूसरी देखते हैं कुछ एक नया ट्राई करते हैं बट ये मुझे देखने में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं वही वाली ट्राई कर लेती इस मैगी का नाम था तड़का लेमन तड़का बट जब मैंने घर पे आके इसको बनाया आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरे मुंह में पूरी स्मेल सी हो गई थी इतना अजीब सा कोई टेस्ट था इसका मतलब कोई टेस्ट ही नहीं था मुझे फिर इतना याद आया कि मैं वही वाला पैक ले ली थी किन्नौर के अच्छा मैंने जानबूझ के इसलिए लिया कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं बट आई न्यू इट कि कुछ भी कोई सी भी मैगी ट्राई करो पसंद नहीं आती और मैं आप इस चीज़ की सर्चिंग में थी पॉपकॉर्न होते हैं उस पर हनी और गुड़ का मतलब मिक्सचर होता है वो पॉपकॉर्न पे लगे हुए होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं मुझे यहाँ पे मिल गए यार इसको इसे इसका नाम होता है कैरेमल हनी पॉपकॉर्न इस टाइप का इसका नाम होता है मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा बट आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा बहुत मज़े के होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं मतलब एक अलग सा टेस्ट आता है अच्छा वो वाले पॉपकॉर्न होते हैं जो पैक होता है और उसमें हमें माइक्रो में करने होते हैं माइक्रो में वो बनाने होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं अलग अलग फ्लेवर के होते हैं अलग अलग टेस्ट होता है उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है यहाँ पर मेरी फेवरेट चीज़ें थी मैक्रोनी स्पैगेटी और मैं यहाँ पर कलेक्ट कर चुकी थी मुझे शेल वाली मैक्रोनी भी अच्छी लगती है और एल्बो वाली भी स्पैगेटी आई एम स्पैगेटी लवर यहाँ पर इनकी ये इन्होंने गिरा दिया था इन्होंने मैं यहाँ पे वेट कर रही थी मेहरान अपने आम पापड़ ढूंढने गए थे क्योंकि मेहरान को आम पापड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है इनकी पूरी फैमिली में मेरे पूरे ससुराल में आम पापड़ इन सबको बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही शौक से खाते हैं बट आई डोंट लाइक आम पापड़ मुझे वो वाला आम पापड़ अच्छा लगता है जो एक ब्लैक कलर का आता था बचपन में हम खाते थे इतना खट्टा सा होता था इतना मज़ेदार होता था बट वो यहाँ पे नहीं मिलता वो छोटी छोटी चीज़ की दुकानें होती थी ना वहाँ पे मिलता था और मैं वहीं से लेती थी और बहुत सारे लेती थी वाल में आम पापड़ और यहाँ पे इनको मैंगो आम पापड़ जो होता है मतलब आम मतलब मैंगो टेस्ट का जो होता है ये वाला ये लोग खाते हैं तो ये यही ढूंढने गए थे हमेशा जब भी जाते हैं ये मस्ट होता है इनका लेना और नहीं मिलता ना इनको इनका फेस ऐसा लटक जाता है कि बस Them.
रहा था एक मेरे वाई पर, मैंने कहा था कि हाँ मैम अगर आगे नहीं है तो प्यार से बाहर भी जाओ और यहाँ पे खत्म हो गया। क्या यहाँ हमने ठिकाने लगा दिए, अब हमें कोई भी चीज की जरूरत पड़ती ना मेरा हम किसी के भी मित्र उठा के डाल देते हैं। ये बहुत बदतमीज है। अरे मैडम मैंने मक्खन वगैरह तो ले लो। यहाँ पे हमने सब कुछ ले लिया था, अब हम बिलिंग करवाने जा रहे थे और बहुत सारी बहुत रश था इस दफ़ा। सो यहाँ पे हम व्लॉग एंड करते हैं। अपना बस बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।